कप चीनी लिए हैं चाशनी के लिए। ये शुद्ध घी है, ये चुटकी भर फूड कलर है ऑरेंज, और ये ऑरेंज एसेंस है, और एक चम्मच छोटी इलायची है पिसी हुई। दूध को गैस पर रख दिए हैं, एक उबाल आ गया है। अब इसमें हम इसको गाढ़ा नहीं करना है, इसमें हमको धीरे धीरे करके सूजी को डालना है, धीरे धीरे ताकि लम्स ना पड़े। सूजी को पकाना है, इस तरह से सूजी को पकाना है। गैस का फ्लेम कम कर दिए हैं, इसको लगातार चलाना है। बिल्कुल इस तरीके से हमको गैस धीमा करके इसको पकाना है। इस तरीके से अब इसमें हम डाल देते हैं मिल्क मेड पाउडर। इसको भी धीरे धीरे इसे में मिला के पकाना है। अभी इसमें हम डाल देते हैं घी। करीब एक बड़ा चम्मच, इससे एक चम्मच लगातार चला के पकाना है। सूजी पक रहा है, ये बारीक वाली सूजी है। सूजी बन गया है, तैयार हो गया है हमारा डो। गैस बंद कर देते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। तब तक हम इधर चाशनी बनने दे दिए हैं, इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिए हैं। इधर चाशनी बनेगा, तब तक हम डो को ठंडा कर लेते हैं। डो भी मेरा ठंडा हो रहा है। इसको मसल मसल के, अभी गर्म है, इसको भी हम ठंडा कर लेते हैं।
इसमें हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। इसको मत मत के ठंडा करते हैं, चिकना बना लेंगे। ये देखिए इसमें हम फूड कलर दे दिए हैं, इसको हाथ की सहायता से मल रहे हैं। ठंडा हो गया है, अब इसका हम राजभोग बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथ में हम घी लेंगे, घी है इसको हम हाथ में लगा लेते हैं। और इस तरह से हम इस तरह से गोल गोल बना के रख लेते हैं। देखिए मेरा चाशनी भी थोड़ा सा गाढ़ा चाशनी बनाना है और बनेगा चाशनी, एक तार की चाशनी बना लेंगे। मेरा चाशनी तैयार हो गया है, अब इसमें हम एक एक रसगुल्ला डाल देते हैं। गैस का फ्लेम तेज रखेंगे। सारा राजभोग इसमें, ये राजभोग है तो थोड़ा बड़ा ही रहेगा। अब इसको हम उबलने देते हैं। उबल रहा है और ये देखिए धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। इसको हम 5 मिनट उबलने देते हैं इसी में। देखिए रसगुल्ला बन, राजभोग बन के तैयार हो गया है और देखिए कितना बड़ा बड़ा बन के फूल के हो गया। अब हम गैस को बंद करते हैं। और सबको एक बॉल में निकाल लेते हैं।
राजभोग बनके तैयार हो गया है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं अगले व्यंजन के साथ मिलूँगी। थैंक्स।